हाय फ्रेंड्स, आज है हरियाली बीज। आज हरियाली बीज के पावन अवसर पर मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, जो राजस्थान की फेमस रेसिपी है घेवर, मावा के घेवर। जो मैं लेके आई हूँ वो बनाना मैं शुरू करती हूँ। मैं गैस पे एक पैन चढ़ा लूंगी और पैन के अंदर 2-3 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। इतनी इजी व आसान तरीके से आपको घेवर बनाना मैं बताऊंगी। अब घी गर्म हो गया, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1/2 गिलास से थोड़ा ज्यादा दूध। इससे क्या है, घेवर के लिए मावा तैयार करेंगे घर पे ही और मिनटों में बन जाएगा ये मावा, और इतना सस्ता व इजी बजट में बन के तैयार हो जाएगा घर पे ही, और इतने इजी तरीके से और जल्दी झटपट बन जाने वाला ये मावा की रेसिपी है। अब दूध को गर्म होने देते हैं। दूध और घी को अच्छी तरह से गर्म करके, अब दूध गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। मावा बनाने के लिए मैं चम्मच में माने तो 5-6 चम्मच और वैसे ग्राम में माने तो 50 ग्राम मावा मिल्क पाउडर है, तो इसको ऐड करके और अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर एक भी बबल्स नहीं रहने चाहिए, और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। घेवर के लिए मावा बनाना है। देखिए मावा बन के तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चीनी। चीनी मावा के अंदर थोड़ा चीनी भी होनी चाहिए, चीनी से अच्छा टेस्ट आएगा, फिर फीका फीका मावा अच्छा नहीं लगेगा, मीठा मावा ही अच्छा लगता है। देखिए मावा बन के तैयार हो गया, मावा एकदम बनके कंप्लीट हो गया। ज़्यादा टाइट नहीं रखना है मावा को, ठंडे होने पे मावा थोड़ा टाइट हो जाएगा। राजस्थान के फेमस घेवर की रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं आपके लिए। तो आपने वो तो बहुत सुना होगा कि राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन होता है हरियाली तीज से, हरियाली तीज से त्योहारों का आगमन हो जाता है। अब मैं एक पैन ले लेती हूँ, मावा के तो निकाल दी हूँ, अभी एक पैन ले लेती हूँ और पैन के अंदर चाशनी बनाऊंगी। एक कटोरी में चीनी की ली हूँ, एक कटोरी चीनी की ली थी, तो 1/2 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और घेवर के लिए मैं चाशनी तैयार कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 इलायची तोड़ के इसको, और ऐसे ही ऐड करना है, कूटना नहीं है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कुछ केसर के धागे, ऐड कर दूंगी, इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा चाशनी के अंदर। और चाशनी को ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है, एक तार की चाशनी बनानी है। देखिए चाशनी बनके तैयार हो गई, एकदम परफेक्ट घेवर के लिए। अब मैं गैस पे बगुनी चढ़ा के और तेल चढ़ा लेती हूँ घेवर बनाने के लिए। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी और 1/2 बगुनी चढ़ानी है तेल की। अब मैं घेवर के लिए रबड़ी तैयार कर लेती हूँ। आपको मिक्सी के जार में बनाएंगे, आपको घंटों पचने की आवश्यकता नहीं है, मिनटों में बनाएंगे घेवर की रबड़ी। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच घी ऐड कर ली हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 4-5 आइस, और आइस को थोड़े तोड़ के डालना है क्योंकि मिक्सी का जार टूट जाएगा। अब इसे अच्छी तरह से फेंटना है।
घेवर के लिए, रबड़ी बनाने के लिए आपको घंटों नहीं फेंटना पड़ेगा। बर्फ़ की सिल्ली लेके, बर्फ़ की सिल्ली से मिक्सी के जार में फेंट लेंगे। देखिए बिल्कुल वाइट कलर हो गया बर्फ़ की आइस और घी को फेंटा था मैंने। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक कटोरी मैदा और इसके अंदर एक स्पेशल ट्रिक डालेंगे, एक चम्मच बेसन। इससे बहुत अच्छा घेवर बनके तैयार होएगा और इतनी जल्दी रबड़ी बनके तैयार हो जाएगी मिक्सी के जार के अंदर। और आप वैसे बनाओगे तो आपको घी को वाइट व क्रीमी बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। इसके अंदर एक कटोरी ठंडा बिल्कुल चिल्ड पानी ऐड करना है, गर्म पानी नहीं ऐड करना है, बिल्कुल चिल्ड बिल्कुल ठंडा पानी ऐड करना है। और मिक्सी के जार को बंद करके और अब मैं फेंट लेती हूँ इसे। अब देखिए आप, मैं फेंट के तैयार कर ली और आपको मैं दिखाती हूँ। तो एकदम रबड़ी बनके तैयार हो गई घेवर के लिए, लेकिन ये टाइट है, इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा, वही ठंडा पानी ऐड करने पड़ेगा, एकदम चिल्ड पानी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आप वैसे बनाते तो आपको खूब टाइम लगता, घंटों टाइम लगता। बर्फ़ की सिल्ली से पहले तो घी को मिक्स करना पड़ता, फिर घी को वाइट करना पड़ता, फिर घी को एकदम क्रीमी बनाना पड़ता। तो मिक्सी की जार में जल्दी सी बनके तैयार हो गई रबड़ी, पर फिर रबड़ी को तैयार करते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए मिक्सी की जार में झटपट बन गई। क्योंकि आज तीज का त्यौहार है तो आज ही मेरे को घेवर बनाने थे, तो इसलिए मैं इसको जल्दी से मिक्सी के जार में बना ली। और मैं एक बोतल ले ली हूँ और बोतल के अंदर ऐड कर लेती हूँ जो रबड़ी मैं तैयार की थी उसको। देखिए आप, घेवर की रबड़ी बिल्कुल पतली है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा जाड़ी है, आसानी से बोतल के अंदर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आपको ऐसी रबड़ी बना के तैयार करनी है। ये बोतल का ढक्कन है, इसके मैं छेद निकालूंगी एक। देखिए मैं एक छेद निकाल ली हूँ बारीक साइज में। अब इसको ढक्कन बंद कर दूंगी बोतल का और आपको मैं ट्राई करके भी दिखा रही हूँ। एक कटोरी के अंदर बैटर देख परफेक्ट निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तेल को देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ, थोड़ा कम गर्म हुआ है। और इतनी इजी आसान तरीके से आपको घेवर बनाना बताऊंगी मैं। और ना कढ़ाई चाहिए, ना कोई तई चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको घर पे आसानी से भगोनी के अंदर बताऊंगी। अब मैं बैटर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है, जैसे ये उफान आए और उफान कम हो जाए तब आपको बैटर डालना है। देखिए जी, वह आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ घेवर बनाने का। और घर पर आप घर पर बना लोगे, आप सादा घेवर लेके लेने जाओगे मार्केट के अंदर तो 200 रुपये किलो मिलेंगे आपको, और ये मावा वाला घेवर लेने जाओगे तो 400-500 रुपये किलो मिलेंगे आपको। और आप मावा वाला घेवर घर पे ही कुछ घर के ही सामान से बिल्कुल कम कीमत में आप घर पर तैयार कर लोगे घेवर। अब देखिए घेवर बन के तैयार हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। जा कम और फिर बैटर डाल दो। ये देखिए घेवर बन रहा है और घेवर अपनी आकृति ले लिया है। और इजली मार्केट जैसे हलवाई जैसा टेस्टी और हलवाई जैसी आकृति वाला घेवर मैं आपको बना के बताऊंगी। और इतने इजी व आसान तरीके से और कम कीमत व कम सामान से आपको मैं घेवर बना के बताऊंगी। देखिए घेवर अपनी शेप ले लिया है और ना कोई सांचा चाहिए, ना और कुछ चाहिए, बस भगोने के अंदर बना लो आप। तो बिना सांचा घेवर बना के आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर त्योहारों का आगमन होता है, हर दुकान पे ये घेवर की मिठाई बनना शुरू हो जाती है 15-20 दिन पहले ही, और सब दुकानों पे बस घेवर घेवर दिखेंगे आपको। अब मैं इस
इसे गोल गोल करते रहना है क्योंकि छेद बंद ना हो, इसलिए। अब इसके चारों तरफ से मैं इसको हटा दूंगी। घेवर को निकालने से पहले इसके चारों तरफ इसको हटाना है, चिपक जाता है ये। अब इसे नीचे कर देना है क्योंकि ये ब्राउन कलर होने तक इसे पकने देंगे, तेल के अंदर थोड़ा नीचे डुबो देंगे। अब देखिए घेवर का कलर भी बहुत अच्छा है और घेवर पक के तैयार हो गया। अब मैं घेवर को बाहर निकाल लेती हूँ। घेवर को बाहर निकाल लेती हूँ, पक के तैयार हो गया। अब घेवर को बाहर निकाल लेती हूँ मैं। वाह, कितना अच्छा, कितना टेस्टी हलवाई स्टाइल में घेवर बनके तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा घेवर बनके तैयार हुआ है और इजीली बनके तैयार हो गया। अगला बैटर बचा है, इसे भी मैं घेवर बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के। राजस्थान के अंदर आपने खावत तो सुनी होगी, त्योहारों को लड्डू भी गणगौर, त्योहारों को लड्डू भी गणगौर। और गणगौर तो त्योहार को लेके डूब जाती है कुएं के अंदर, और तीज है ना त्योहारों को लेके निकलती है, और त्योहारों तीज से ही त्योहार चालू होते हैं। सब इतने दिन वेट करते हैं तीज, गणगौर से लेके और तीज तक सब वेट करते हैं भाई कब त्योहार शुरू होंगे, कब खुशियाँ आएगी। तो इसलिए ये गणगौर का त्योहार तो त्योहारों को लेके डूबता है, त्योहार बंद हो जाते हैं उस टाइम पे। तीज का त्योहार आता है तो यहाँ से त्योहारों का आगमन होता है हमारे राजस्थान के अंदर। और राजस्थान के अंदर जैसे ही त्योहार आते हैं और सभी के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है और त्योहार की खुशियाँ मनाने लग जाते हैं। अब मेरा अगला घेवर भी बन रहा है और बन के तैयार हो रहा है। और हर घर के अंदर तीज के त्यौहार पर मिठाइयाँ बनेंगी और दुकानों से भी मिठाइयाँ लेके आएंगे, तो क्यों ना घर पे बना के आसान तरीके से घेवर आप भी घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए और घर पे बना के खाइए। अब मैं इस घेवर को भी चारों तरफ से कट करके और इसको भी नीचे कर दूंगी और पकने दूंगी। आप मार्केट लेने जाओगे तो मार्केट के अंदर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और इतने अच्छे टेस्टी भी नहीं मिलेंगे, और पता भी नहीं कैसा मिलता है और कैसा नहीं बनाते है, कैसे हैं। तो आप घर पे ही बना के ट्राई कीजिए एक बार, 90 रसोई की रेसिपी की जैसे घेवर बना के ट्राई करो आप भी। अब घेवर पक के तैयार हो गया अच्छी तरह से। अब इसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। देखिए कितनी इजी व आसान तरीके से मार्केट स्टाइल में, हलवाई स्टाइल में घेवर बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे भी बाहर निकाल लूंगी प्लेट के अंदर। एक कटोरी मैदा से आपको 1 किलो घेवर बना के मैं बताऊंगी। ओनली 1 कटोरी मैदा से 1 किलो घेवर बन के तैयार हो जाएंगे। एक कटोरी मैदा की कीमत है 10 रुपये और आपको 300-400 रुपये के घेवर बना के मैं बताऊंगी आपको। अब मैं एक बोतल भरी थी बैटर की, इससे मैं 3 घेवर बना ली। इसके अंदर चाशनी डालने पे ये 3 घेवरी 1 kg बन जाएंगे। वाओ, कितने अच्छे, कितने टेस्टी, जालीदार, एकदम जालीदार घेवर बन के तैयार हुए हैं और इतने ईजिली व आसान तरीके से घेवर बन के तैयार हो गए। और आप देख लीजिए घेवर के अंदर मार्केट जैसे ही इसके अंदर जाली है, और शेप भी उतना ही अच्छा है, गोल तरीका इतना ही शेप अच्छा है और इतनी ही जाली है। देखिए कितनी अच्छी जाली आ रही है घेवर के अंदर। अब मैं जो चाशनी तैयार की थी वो चाशनी मैं घेवर के ऊपर ऐड कर दूंगी, चम्मच भर भर के, और इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। तीनों घेवर, चारों घेवर हैं, इनके ऊपर आसानी से चली जाएगी ये चाशनी। ऊपर वाले घेवर पर डाल दीजिए आप, सभी घेवर के अंदर नीचे उतर जाएगी चाशनी, क्योंकि इसके जाली है ना, तो जाली के अंदर से नीचे तक चली जाएगी।
और एक्स्ट्रा बचेगी वो प्लेट के अंदर आ जाएगी। और आपको मीठा जितना पसंद हो इतना आप ऐड कर सकते हो। हलवाई तो क्या है, बेचने के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाशनी भर देते हैं, अपन तो घर के लिए बना रहे हैं तो घर के हिसाब से ही चाशनी ऐड करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर चाशनी ऐड कर दी हूँ। अब आपको मैं मावा वाला घेवर बना के बता रही हूँ। अभी इसके मावा ऐड कर दूंगी इसके ऊपर, जाली के ऊपर मावा ऐड करके और मावा चिपका दूंगी। जो मैं मावा बना के तैयार की थी वो मावा मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। देखिए वाओ कितना अच्छा कितना प्यारा लग रहा है मावा वाला घेवर। अब मैं इसको डेकोरेट कर देती हूँ। आपकी पसंद हो वैसे ही आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, पिस्ता काजू से भी कर सकते हो, बादाम से भी कर सकते हो, गुलाब की पंखुड़ियों से भी इसे डेकोरेट कर दे सकते हो आप, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो आप। देखिए वाव कितना प्यारा कितना अच्छा घेवर बन के तैयार हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है, और मेरा तो खाने का मन कर रहा है इसको देखते ही, बनाते बनाते मेरे को मन कर रहा है इसको खाने के लिए। अब मैं इसको पिस्ता से डेकोरेट कर दूंगी। अब देखिए पिस्ता डालने पर भी कितना सुंदर हुआ, कितना प्यारा लग रहा है घेवर मलाई वाला। अब एक ही घेवर में तैयार कर रही हूँ मावा वाला, आप जब भी खाओ जब मावा लगा के खा सकते हो। अब मैं गुलाब की पंखुड़ियों से भी डेकोरेट कर देती हूँ इसे। आप जब भी खाओ खाना चाहो जब आप मावा इसके बना के रख लो और इसके ऊपर डाल देना बस। वाह कितना अच्छा कितना टेस्टी हरियाली तीज का घेवर बन के तैयार हुआ है। तीज व सिंजारा मिठाई बनके तैयार हो गई, एकदम तीज का घेवर बनके तैयार हो गया और इतना इजी व आसान तरीके से एकदम लाजवाब घेवर बनके तैयार हो गया। देख लीजिए आप कितना अच्छा कितना फ्लेवरफुल कितना हेल्दी घेवर बनके तैयार हुआ है। राजस्थान की फेमस मिठाई है ये, और तीज ज़्यादातर जयपुर की फेमस है और घेवर भी जयपुर के ही फेमस है। तीज व गणगौर जयपुर की ही फेमस ज़्यादा हैं और इतने अच्छे इतने टेस्टी हलवाई स्टाइल में घेवर बन के तैयार हो गए। मैं आधे तो बिना मावा के रखी हूँ, आधे मावा वाले घेवर रखी हूँ क्योंकि किसी को मावा के घेवर पसंद नहीं है तो बिना मावा के खा सकते हैं, और मावा के पसंद हो वो मावा के खा सकते हैं, इसीलिए मैं सभी पे मावा नहीं फैलाई हूँ। और 90 रसोई के अंदर आपको हरियाली तीज की रेसिपी पसंद आई हो घेवर की तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार आप भी बना के ट्राई कीजिए 90 रसोई के जैसे घेवर की रेसिपी। जय हिंद जय भारत जय माता दी, धन्यवाद।